Namaskar, main hu Lata Sabharwal. Thank you so much for watching second season of Image Empowerment. तो ये वीडियो है हमारा कलर ऑफ द मंथ के बारे में. तो इस महीने का कलर है न्यूट्रल. न्यूट्रल में भी कई शेड्स होते हैं, जैसे कि बेज, क्रीम, टैन, खाकी. तो मैंने इस बार जो कलर चूज किया है न्यूट्रल, वो ये है. इस वीडियो में मैं आपको इसका मेकअप दिखाऊंगी और फुल गेटअप. इस लुक के लिए मैंने मेकअप बेस इस टाइम फेस पर लगा लिया है. आप बेस कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपने दूसरे वीडियो का, वो वीडियो देख सकते हैं. क्योंकि ये न्यूड लुक है, थोड़ा सा ब्राउनिश लुक है, इसलिए मैं मेकअप को भी थोड़ा सा ब्राउनिश रखने वाली हूँ. तो मैं पहले आई शैडो करने जा रही हूँ. जो आई शैडो का शेड भी मैंने सेलेक्ट किया है वो कॉपर ब्राउन है, सो दैट पूरी आउटफिट के साथ मैच करे और उसे एनहांस करे. This is the highlighter, which is silver white. Eyebrows और बाकी मेकअप के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आंखों के नीचे की साइड भी मैंने सेम आई शैडो लगाया है इंस्टेड ऑफ काजल. Now the liner. मैं काजल पेंसिल यूज करती हूँ लाइनर के लिए. Now the mascara. जो लिपस्टिक मैं इस लुक के साथ यूज करने जा रही हूं वो भी न्यूड है, लेकिन उसके साथ मैं ब्राउनिश आउटलाइन लगाने जा रही हूं. ब्लश ऑन मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है फेस के ऊपर ऑलरेडी जब मैंने अपना बेस किया था उसके बाद, लेकिन इस लुक के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्लश ऑन भी चेंज करना चाहिए. तो ब्लश ऑन में भी मैं थोड़ा सा ब्राउनिश टोन दूंगी ताकि ये काफ़ी अर्दी लुक निकल के आए. ब्लश ऑन के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ इस बार एंगुलर ब्रश, ब्लश ऑन ब्रश नहीं, और जो मेरा कटिंग पाउडर था उसी से मैं हल्का सा ब्लश ऑन का इफेक्ट दूंगी टू ब्रिंग आउट द अर्दी लुक. Thank you.
तो आपको फ़र्क नज़र आया। तो इस तरह का अर्ली मेकअप बहुत अच्छा लगता है हमारे न्यूट्रल कलर के कपड़ों के साथ। ओके, सो इन दिस लुक आई हैव कंबाइंड दिस न्यूट्रल शर्ट विद माय वाइट डेनिम्स एंड गोल्ड सैंडल्स। गोल्ड जो है वो न्यूट्रल शेड्स के साथ बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैंने उसे कंबाइन किया है। और इयररिंग्स जो हैं वो मैंने मैट गोल्ड के रखे हैं। अगेन, मैट गोल्ड भी बहुत अच्छा लगता है न्यूट्रल शेड्स के साथ। एंड यस, अगर आप थोड़ा और स्टाइलिश लगना चाहते हैं तो अपने हल्के से गोल्डन शेड जरूर पहने। मैंने थोड़े गोल्डन और थोड़े एनिमल प्रिंट वाले अपने शेड्स इसके साथ पहने हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इस लुक को और एनहेंस कर रहा है और स्टाइलिश दिखा रहा है। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।